मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने विधायकों से उनके विधानसभा में हुए मतदान की रिपोर्ट मांगी है, जिसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने कहा कि भाजपा डरी हुई है, क्योंकि वह न तो 400 पार हो रही है और न ही उसकी सरकार बन रही है। वहीं संगीता शर्मा ने देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बात कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे सभी संसाधन हैं जिनसे वो डायरेक्ट वोटिंग के बारे में पूछताछ कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो अपने विधायकों से पूछवा रही है कि वोट परसेंट कितना हुआ, क्या हुआ, तो उनके पास तो सारे संसाधन हैं। सरकार उनकी है, देश में उन्होंने जो किया है वो सबके सामने है। चुनाव आयोग से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाओं से उनका डायरेक्ट बात कर सकते हैं वो। परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को, जो कि केंद्रीय नेतृत्व अभी कुछ दिनों पहले बोल कर गए थे अमित शाह जी, और बता कर गए थे कि यदि कार्य नहीं किया गया और वोट परसेंट नहीं बढ़ा तो छुट्टी कर दी जाएगी, तो कुछ विधायक हैं जो मंत्री बनने की चाह में हैं और कुछ मंत्री हैं जो डरे हुए हैं कि उनकी कुर्सी ना चली जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। जिस 400 पार का नारा दे रहे थे वो 400 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में डर का माहौल है। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पूरे देश में कैंपेन की है, उससे साफ जाहिर होता है कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है और भाजपा डरी हुई है।